चलिए सर, नहीं आप चलो, मैं आप यही पर हमारे साथ सर। अच्छा, बट नाउ वी वुड लाइक टू कॉल, हम बुलाना चाहेंगे द स्टार ऑफ द इवनिंग, जिन्होंने रहीम साहब का किरदार निभाया, मिस्टर अजय देवगन। यू आर लुकिंग फिट एज एवर, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, सच्ची बात है। यू टॉकिंग अबाउट मी? बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ट्राइंग टू बी फिट, नॉट कंप्लीटली फिट। नो, यू लुक फिट सर, बट आपने रहीम साहब का कि आपने आपके प्रेपरेशन में व्हाट इज इट दैट यू इन्वॉल्वड फॉर दिस रोल? एक्चुअली जब मुझे ये कहानी सुनाई गई, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। जैसे बोनी जी कह रहे थे, आफ्टर 83 फुटबॉल वाज लॉस्ट समवेयर, सो आई वाज अमेज्ड कि ऐसा हमारे देश में हुआ था एंड फुटबॉल रीच दैट पीक। एंड व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर लाइक अमित, प्रेपरेशन तो सारा दिन रात यही लगा रहता है, आपको मौका नहीं देता करने का और आपको जरूरत भी नहीं पड़ती। एंड सर, ये एक स्पोर्ट्स पिक्चर है, दिस इज अ बायोपिक, योर फर्स्ट स्पोर्ट्स बायोपिक एज वेल, हाउ वाज इट डिफरेंट कंपेयर्ड टू द अर्लियर वंस? आई वुड कॉल दिस जस्ट अ स्पोर्ट्स फिल्म, इट्स गॉट सो मच ऑफ ड्रामा, इट्स फॉर मी इट एज एन एक्टर, इट वाज अ फिल्म विद सो मेनी लेयर्स द कैरेक्टर हैड और things like this. So main ise mere liye, apne liye, I won't call it a sports film, and I won't call it a sports film only because it's very strong in an emotional drama apart from sports. So it was great, it was because it had so many layers, it was fun doing it. After a long time I think I played a character which had so many layers, and I really really thoroughly enjoyed it. So the trailer looks very very inspiring, you could see, I mean rongte khade ho gaye, lekin अभी आपकी जो पूरी टीम है ये फुटबॉल खेल रहे थे, आपको मौका मिला फुटबॉल खेलने का? बहुत कम, एक सीक्वेंस है जहां मैं खेला हूं, बट उसके अलावा बहुत ज्यादा नहीं खेला। नो बट गाइस, आई मीन रहीम साहब का किरदार निभाना इज नॉट एन इजी थिंग, बिकॉज मैं जानता हूं, मैं फुटबॉल पर रह चुका और उनके बारे में मैंने सुना है अपने कोचेस से, एक्स प्लेयर से, और आई मीन आप ये लेकर आ रहे हैं। आई रियली थिंक के लोगों को पता चलना चाहिए रहीम साहब के बारे में और उस टाइम पे इन सब लड़कों के बारे में जिन्होंने जो खेले हैं, उनकी उनकी डेडिकेशन, मेहनत और कहाँ से आए हैं। सो व्हेन यू सी द फिल्म यू विल नो दैट इट वाजंट अ वेरी इजी टास्क। एब्सोल्युटली, एंड वी कांट वेट, बट वंस अगेन गिव इट अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर रहीम साहब, मिस्टर अजय देवगन। And now, sir, इजाजत है मैं आपके डायरेक्टर को बुलाऊं? Yes. Now I would like to call Mr. Amit Sharma. And my son teases me that he is my real son, and Arjun is probably an adopted son. ये तेवर से चला आ रहा है, but of course, he gives me all the love as a son, and I try to do my best as a father. कुछ चीजें सही हो जाती हैं, कुछ चीजें गलत होती हैं। अब जितनी मेरी कैपेसिटी उसके हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ। अब तक तो ये खुश लगता है, कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट। ट्रेलर के बाद तो सर और भी खुश लग रहे हैं। बाकी बात आपको अलग से बता दूंगा। नहीं, बट मिस्टर अमित शर्मा, अभी मेरे को आपसे बस ये सवाल पूछना है कि 11 प्लेयर होते हैं फील्ड पर, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो आपने इस पिक्चर की पहले तो कास्टिंग कैसे की, और कास्टिंग के साथ साथ ये जो कहानी है इंडियन फुटबॉल की, सच्ची कहानी, आगे जाकर इंडियन फुटबॉल को मदद कैसे करेगी? पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि इस पिक्चर की कास्टिंग आपने कैसे की, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर होते हैं 11 पिच पर, बेंच पर होते हैं, और पूरी जो कास्टिंग किस तरह की आपने? तो एक्चुअली मैं कास्टिंग के बारे में, मेरी सारी कास्ट यहां पे बैठी हुई है, मेरी कास्ट सारी यहां पे बैठी हुई है, मैं कास्टिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा था, बट क्योंकि कुछ अलग चीज करने की कोशिश करी हमने, विच विल सी इट इन द एंड ऑफ द फिल्म, उसके आखिर के अंदर फिल्म की जो क्रेडिट रोल के अंदर हमको दिखेगा कि ये कास्टिंग, इस कास्टिंग को करने में एक साल गया, और कास्टिंग के तीन पैरामीटर्स थे, विच वॉज, वन वॉज वेरी गुड प्लेयर, गुड एक्टर, एंड शक्ल मिलनी चाहिए। शक्ल मिलनी चाहिए, इम्पॉसिबल टास्क था ये, शक्ल मिलनी चाहिए विद द ओरिजिनल प्लेयर, चुने गोस्वामी और पीके बैनर्जी और थंगराज और यू नो जर्नैल सिंह, इन सब से शक्ल मिलनी चाहिए, एंड वी एक्चुअली हैव डन दिस कास्टिंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली टू कैलकटा टू यू नो इन साउथ इन गोवा इन पंजाब
इंटीरियर्स ऑफ पंजाब एंड इट टुक ऑलमोस्ट अ ईयर टू कास्ट एंड कास्टिंग डायरेक्टर वैभव एंटी कास्टिंग ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब लाइक अमेजिंग लाइक यू नो सुपर्ब लाइक माई टीम आई वांट टू टॉक अबाउट माई द होल टीम ऑफ माइन विच लाइक यू नो फर्स्ट अमन एंड अतुल वर सिटिंग ओवर हियर समवेयर I had just gotten out of बधाई हो और बधाई हो के इतने सारे कॉल्स और फोन कॉल्स ये हो गया वो हो गया सब चीज़ें चल रहे थे पिक्चर रिलीज होने के बाद में तो मैं रोज़ इनके साथ बैठता तो मैं बोलता था एक्साइट करो बधाई हो से निकालो इसमें डालो मैदान में डालो जब इसका नाम मैदान नहीं था जैसे बाय द वे मैदान नाम अतुल ने दिया है और स्टोरी स्क्रीन प्ले के अंदर अमन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग पूरी टीम मतलब एवरीथिंग वॉज लाइक साइवन रितेश सर एवरीबडी लाइक यू नो माई डी ओ पी यू नो तुषार ही वॉज देयर तुषार वॉज एक्चुअली शूटिंग सम एड्स लाइक टू एड्स एंड एक महीना बचा था शूटिंग के लिए और मैं इनसे मिला मैंने कभी काम नहीं किया था उनके साथ में तो उनमें पहली दफ़ा मिला तो ही सेड कि अब मैं एक महीना में मैं दो एड शूट कर रहा था लेकिन मैं वो छोड़ दूंगा तो आई हैड नेवर वर्कड विद हिम जस्ट विद दिस थिंग विद व्हाट ही सेड कि मैं वो दोनों छोड़ना चाहता हूँ और एक महीना रोज ऑफिस आना चाहता हूँ आई सेड ही इज माय डीओपी फॉर दिस फिल्म सो यू नो एवरी डिपार्टमेंट हैज डन सच अ ब्रिलियंट जॉब इन दिस थैंक यू एवरीबडी रियली रियली थैंक्स थैंक यू सर खड़े होइए प्लीज दिनेश सर अपनी शक्ल दिखा दीजिए प्लीज He has actually trained my boys for a year and on shoot like going on and off like upar niche niche upar har jagah pe it was amazing so aman atul thank you everybody thank you and thank you sir really thank you for choosing me to make this film aapne thank you sir sir and ajay sir is the best actor I've ever worked with Woo-hoo! and that's Like I went and told him like you know ek 3 din hue the shoot pe to maine bola ki main na sir dara hua tha pehle ki Syed Abdul Rahim was always a you know bahut hi kam baat karne wale and we've always seen him in Singham you know the thing is and roll camera action roll standby the man is standing like this standby change over to Syed Abdul Rahim I said hats off Priyamani fantastic Gajraj sir like Rudro it was like amazing team I had this film wouldn't be possible without a fantastic amazing team so thank you everybody thank you now sir team work to dikh rahi hai aapke is pure team mein lekin ye ek sachi kahani hai aap meko bataiye ki how will this help Indian football moving forward यार इंडियन फुटबॉल एक्चुअली अभी कुछ टाइम से अच्छा कर रही है एंड इन टर्म्स ऑफ वी वर सो गुड एट दैट टाइम ये कोई बिलीव नहीं करता है किसी को पता ही नहीं है क्योंकि अगर हम इतने अच्छे उस समय थे तो अभी भी हो सकते हैं आई थिंक वही ये पिक्चर बताने की कोशिश कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है दैट वी वर नॉट जस्ट गुड वी वर अमेजिंग लाइक जैसे बोनी सर ने बोला वी वर एक्चुअली नोन एज ब्राज़ील ऑफ एशिया स्टैनली राउस उस टाइम के फीफा चीफ 1960 में उन्होंने हमको ये ठप्पा दिया था विच वॉज ब्राज़ील ऑफ एशिया सो आई थिंक इट वॉज द इट्स टाइम टू एंड किड्स आर प्लेइंग फुटबॉल दीज डेज इट्स जस्ट दैट वी डोंट टेक इट सीरियसली बिकॉज यू नो क्रिकेट इज सो बिग इन आर कंट्री एंड आई एम नॉट अगेंस्ट क्रिकेट बिकॉज आई प्ले क्रिकेट आई एम अ क्रिकेटर सो आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट फुटबॉल बट ड्यूरिंग दिस फिल्म गॉट टू नो सो मच अबाउट फुटबॉल कि आज की डेट में मैं मेसी से बैठ के बात कर सकता हूँ शायद अमन तू लगेगा साथ में मेरे थैंक यू लेकिन अब अरुणवा सेन गुप्ता जी और आकाश चावला जी से मैं यही पूछना चाहूंगा कि आपने इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है जी और मिस्टर बोनी कपूर के साथ आपने इस पिक्चर को स्टार्ट भी किया है लेकिन You had a chance कि आप पी के बैनर्जी से मिले आप चुनी गोस्वामी से मिले लेजेंडरी प्लेयर्स इंडियन फुटबॉल के तो आपने उनसे क्या स्टोरीज कहानीज इस अब मूवी में यूज़ किया well, I'll just tell you one anecdote which happened to us जब हम पहली बार कलकत्ता गए थे मिस्टर तुलसीदास बलराम से मिलने के लिए उनका इंटरव्यू था ही वॉज द फर्स्ट प्लेयर हु वी मेट
फॉर द फिल्म टू इंटरव्यू. मुझे याद है मुझे फुटबॉल के बारे में पर्सनली कुछ नहीं पता. आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट फुटबॉल बिफोर दिस फिल्म. एंड आई गॉट आउट ऑफ द कार एंड वहाँ पर एक चाय वाला था कलकत्ता में, हुगली के बाजू में एक एरिया थी, हम्बल सी एरिया थी. और मैंने उनसे जाके बहुत ही कहते हैं ना वो नॉनचलेंटली पूछा कि यहाँ पे बलराम कहाँ रहते हैं आप बताएंगे. एंड दैट गाय लुक्ड एट मी लाइक ही विल किल मी. तब उस समय मुझे लगा कि यार मैंने क्या बोल दिया इनको कि इनको इतना ख़राब लग गया. और वो चाय वाले ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी उस दिन. उन्होंने कहा श्री तुलसीदास बलराम 2 times ओलंपियन 1962 गोल्ड मेडल विनर, उनका घर सीधा जाइए राइट लीजिए फर्स्ट फ्लोर पर जाइए, वो आपको वहां पर मिलेंगे. एंड दैट इज व्हेन इट स्ट्रक मी दैट व्हाट वी वर अबाउट टू एम्बार्क अपॉन द जर्नी दैट वी वर अबाउट टू एम्बार्क अपॉन वाज नॉट अ नॉर्मल वन. एंड व्हेन वी वेंट टू दैट हाउस एंड वी मेट मिस्टर बलराम, उन्होंने एक और चीज सिखाई उस दिन. कहते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए, कभी कभी मतलब लोगों को याद आ जाता है कि मैं भी हूं, मैं किसी से बात नहीं करता, लेकिन आप लोग से सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप लोग मेरे बारे में पूछने के लिए नहीं आए, आप लोग मुझसे मेरे भगवान के बारे में पूछने आए, सैयद अब्दुल रहीम के बारे में पूछने आए. वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने मुझे बनाया, वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने इंडियन फुटबॉल को बनाया. एंड दैट इज वेयर द आईज ओपन फॉर अस एंड वी रियलाइज्ड दैट दिस इज नॉट अ नॉर्मल जर्नी, दिस इज अ स्टोरी दैट पीपल शुड नो, पीपल ऑफ इंडिया शुड नो, पीपल ऑफ वर्ल्ड शुड नो. And that's how this particular journey really started. I may add something here. Yes, you had told us when you came back. हाँ जी सर. के बलराम तुलसीदास बलराम जी के घर पे कोई भगवान की तस्वीर नहीं थी, सिर्फ रहीम साहब की तस्वीर थी. जी सर. Actually, Mr. बलराम से हमने एक और क्वेश्चन पूछा था उस दिन कि आप लोग उस समय बहुत यंग लड़के थे तो आपकी कोई मस्ती, आपने कुछ आप वर्ल्ड घूम रहे थे तो जो यंग लड़के करते हैं कुछ आप बताइए. And Mr. बलराम was seated on the chair. And when we asked him this question, he just rose like this. And he said, "Shh, ये मत पूछना." And he pointed to the photograph of Mr. Rahim. And he said, "वो अभी भी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोचेंगे उस समय मैं अपना full 100% नहीं दे रहा था." This is actually happened. It's actually on camera. So, I mean, this was a journey which has completely transformed us. बिल्कुल priceless moment, sir. ऐसी कोई कहानी, कोई experiences आप भी share करना चाहे? So when we met Mr. P.K. Banerjee, he is a big star in Kolkata. He actually had a paralysis. He was wheelchair bound and his entire right hand side was paralyzed. His team was not allowing him to meet anybody. Finally, we told him, look, we want to meet him for Mr. Rahim sir. Within 20 minutes, phone call came. And after that, we must have met P.K. Banerjee at least 4 to 5 times. And he was the hand was, it's be like this. He couldn't talk, but he's so excited talking about him. I mean, he couldn't talk properly also, but he met us some 4 times and whatever, whenever we wanted to meet him for more and more information, he was always available to give us that. So yes, everyone, Mr. Arun Ghosh, Franco sir, everybody, they were always open for us to go and talk to them anytime, anywhere. So that was a huge, huge plus point that we had when we started the journey. And I'm sure ki aapne ye sab sare experiences, jo story suni, aap use ki honge picture mein aur ye authenticity picture mein dikhegi. लेकिन अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा एक सेकंड यस जॉय और आकाश ढूंढ निकाले थे सईद रहीम साहब के बेटे को हकीम, हु इज पार्ट ऑफ दिस फिल्म आल्सो. तो इन्होंने उनसे उनके एंटायर ग्रोथ के बारे में पूछा, इवन दैट इज पार्ट ऑफ दिस बैकग्राउंड में वो भी कहानी है. एंड इट वॉज ओनली ड्यू टू देयर एफर्ट ऑफ फाइंडिंग हकीम, हु वॉज अ सन ऑफ. And the film, you will see what kind of sacrifice Hakim does. So he is an important character in the life of Rahim Saab also, in the film also, and in reality also. He was there to tell us all what happened behind the scene. No, like it was very important for me to know ki unke, you know, how was wo kaise utte the, baithte the, baat kaise karte the, kya sab cheeze, matlab how would he select his players, what was the things. The kind of information I got from Hakim Saab, his own son, PK sir, Balaram, Franco, you know, Arun Ghosh sab, in sabse itna zyada mila that like we went to Franco's house which was in Goa. I said, can I see that gold medal which you won? And he said yes.
He got the gold medal and he said, you take this. I don't need it. But don't lose it. No. No, he did not say that. He said, just take this. What will I do with this thing? This film is made for the man who made us. ये उसके लिए ये मुझे नहीं चाहिए तो आई सेड सर ये मैं लेके नहीं जाऊंगा आई जस्ट क्लिक सम पिक्चर्स सर नो टेक इट फ्रॉम माय साइड जस्ट टेक दिस आई सेड आई वोंट टेक दिस शो मी द जैकेट व्हाट यू वोर इन 1962 ही शोड मी ही सेड टेक दिस एट लीस्ट आई सेड आई विल टेक दिस सो ही गेव अस हिज जर्सी द जैकेट व्हाट ही वोर एंड ही वांटेड टू गिव मी हिज गोल्ड मेडल जो वो जीते थे वहां पर ही सेड ये उस आदमी के लिए फिल्म के लिए ये लेके जाओ मुझे नहीं चाहिए आई होप मैं आपने बेडरूम में वो टंगा कर एक विंटेज पीस है वो नहीं मैंने लिया नहीं उनसे अच्छा लिया नहीं आपने हाउ कैन आई टेक दैट वो उनका इमोशन था आई कुड नॉट मैं नहीं ले सकता था उनसे वो चीज सो वी टुक द वेट एंड एवरीथिंग ऑफ दैट एंड वी मेड दोस थिंग्स एब्सोल्युटली एंड वी आर क्रिएटिंग हीरोज बट अब इस पिक्चर के बहुत ही अहम हिस्सा मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर प्रियामणि और गजराज राव जी को ये था अजय देवगन की महाफिल्म मैदान का ट्रेलर लॉन्च जिसमें दिखाई दिए खुद अजय देवगन बोनी कपूर प्रियामणि और संग था इंटायर कास्ट जिनमें दिखे कई नए चेहरे लेकिन क्या हुनर है इनमें सर आप प्लीज गजराज राव जी मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि आप पहले हमें बताइए आपकी थोड़े रोल के बारे में और जो एक्सपीरियंस रहा है आपका सबके साथ काम करने का पहली चीज तो मैं एक सबमिशन है मेरा मैंने आमतौर पर जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बड़े दिल के नहीं होते हैं तो बोनी जी मतलब बड़ा फख्र है मुझे कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ कि स्टेज पर आप आए और आपने आकाश और जॉय को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पर तो इस तरह के बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं जो राइटर डायरेक्टर स्टंटमैन तक का भी क्रेडिट ले लेते हैं तो उसके बीच में आप जैसा इंसान जो इतने तो ये एक शो करता है कि कितने टीम वर्क के साथ ये फिल्म बनी है और जैसे फिल्म के अंदर देवगन सर का पार्ट है जो रहीम साहब का जितना वो ज़िद्दी है उतने ही ये चारों लोग भी ज़िद्दी हैं बोनी जी जॉय आकाश और मेरे डायरेक्टर अमित और जैसा कि सब जानते हैं कि कोविड की वजह से साइक्लोन की वजह से 4-5 साल हुए इसके अंदर लेकिन इन्होंने ज़िद्द नहीं छोड़ी और मुझे नहीं याद कि कोई भी मोमेंट कोई भी दिन ऐसा गया कि जहाँ पर हम लोग शूट ऐसे कर रहे थे कि यार ये शूट ये दिन निपटाना है ये सीन फिनिश कर दो बड़ी ज़िद्द के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ ये फिल्म बनाई है और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये फिल्म सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बात लेकिन इफ दिस मैन इज़ नॉट देयर ये फिल्म कभी भी कंप्लीट नहीं होती थी ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकती थी आई थिंक इट इज़ द काइंड ऑफ आई थिंक रेजिलियंस इज हैज़ एंड द काइंड ऑफ लव ही हैज़ बोनी सर Hats off. प्रियामणि मेरा अगला सवाल आपसे है जी विदाउट यू सैयद अब्दुल रहीम जो उन्होंने उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही इंडियन फुटबॉल के लिए पॉसिबल था नहीं तो आपके रोल के बारे में कुछ बताइए
मेरे कैरेक्टर का नाम सायरा है. आई ऑब्वियसली प्ले रहीम साहब्स वाइफ. शी इज़ द इमोशनल कनेक्ट. शी होल्ड्स द फैमिली टुगेदर व्हेन रहीम साहब इज हिज पैशन फॉर फुटबॉल शोज ऑन स्क्रीन. आई मीन शोज तो हाउ शी होल्ड्स द फोर्ट ऑन एट होम एंड एवरीथिंग. एंड सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड थैंकफुल दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. इट्स ऑल थैंक्स टू बोनी सर. उन्होंने मुझे कॉल किया था ना, एक्चुअली नॉट मुझे पर्सनली बट आई गॉट अ कॉल सेइंग बोनी सर सेड विल यू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई सेड हाँ सर आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. देन आई केम. द नेक्स्ट थिंग आई नो इज आई मेट अमित शर्मा. वी स्टार्टेड लुक टेस्ट एंड आई थिंक विद इन वन वीक और 10 days ऑफ द लुक टेस्ट आई वॉज इन द फिल्म एंड आई एम शूटिंग विद द मैन स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी ऑन माई राइट. एंड I was so intimidated in this at start because I'm sharing the screen space with none other than Ajay sir. So initially I was really scared. I was a little intimidated, but he made me feel very comfortable on the set. Thank you so much, sir. It was such an honor to share the screen space with you. And Amit, I hope I've lived up to your expectation for this character. मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है. I just can't wait for all of you to see the film when it comes out because I'm sure. Everybody is going to love it and the players I think you guys have done a wonderful job. So wow nahi intezar hai and we can't wait either. Lekin sir Boni sir ne kaha ki picture ke baad log aap se nafrat karenge. Kyun? Bas hui mere award hai. Bas aur isse bada award kya hota hai actor ke liye. Thanks a lot Boni ji, Amit ji, Akash Chawla ji and Jay ji. And maine jo sikha hai floor pe, तो जब मेरे पास कॉल आया था अबाउट कास्टिंग एजेंसी से, तो एक रोल के लिए साढ़े चार साल पहले तब सर बच्चा था मैं. फैक्ट्स आया होगा. तो सर उसके बाद तो मैंने पूछा कौन है, तो अजय देवगन जी. तो मेरा ऐसे कुछ हालत आप समझ सकते. तो उसके बाद ऑडिशंस मैं भेजा. उसके बाद और एक फ़ोन है सर, ये कैरेक्टर नहीं दूसरा कोई. तो मैंने बोला सोचा कि छोटा हो जाएगा, ख़राब किया है ज़रूर, लेकिन उसके बाद दूसरा कुछ मिला. तो डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल टू दिस यूनिट. अजय सर से अजय सर के संग काम करने के बाद फ्लोर डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा कुछ अंदाज जो था वो थोड़ा बदल गया. दिस मैन इज़ डेंजरस. चुपचाप बैठे रहते हैं. उसके बाद आके अमित सर जी ने जो बोला तो वैसे ही चेंज हो जाते हो. कैसे ब्रिलियंस सर, बहुत अच्छी. एंड डेफिनेटली और गजराज जी वो इतना अच्छा. मैं आई एम फ्रॉम बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, पश्चिम बंगाल से हूँ. मेरा हिंदी बंगला से भी खराब है. ठीक है ठीक है सर. तो सर गजराज जी पहली बांग्ला बोलने लगे तो मैं चौंक गया. उसके बाद बहुत कुछ कहानी सुना उनसे और बहुत कुछ सीखा. थैंक्स ए लॉट. टोटल यूनिट को प्रणाम करना चाहता हूँ. लेट्स गिव इट अप फॉर द एंटायर टीम ऑफ मैदान बिकॉज अब इंतजार है ट्रेलर नहीं बस पिक्चर का.
यहाँ से यस हाय अजय जी रूना रूना फ्रॉम वेब दुनिया मैदान का ये जो ट्रेलर देखा बहुत सुंदर है और मुझे ये बताइए आपके अंदर का स्पोर्ट्समैन कितना जाग पड़ा जब आप इस फिल्म में एकदम एंट्री किए हैं पूरे शूट किए हैं तब आई थिंक इट गेट्स वेरी एक्साइटिंग जब आप कोई मैच भी घर पे देख रहे हो या कहीं खेल रहे हो तो सडनली यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर यंगर देन व्हाट यू आर सो इट गेट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग और जैसे इन बॉयज ने जो खेल रहे थे इट इज़ अमेजिंग अमित ने जैसे कहा कि इनको साल भर ट्रेन किया लेकिन ये इतना अच्छा आप खेलते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये सिर्फ एक साल की ट्रेनिंग है मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खेला जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा एक सीक्वेंस था बस उसके लिए खेला मैं हेलो अमित एंड बोनी जी इधर इधर सेम साइड लेफ्ट मैं उपमा हूँ नवभारत टाइम्स से जैसे आप लोग बता रहे थे कि आप लोग का जो जर्नी था आप लोग का स्ट्रगल था वो भी एक मतलब जितना जद्दोजहद रहीम साहब को करनी पड़ी थी वो अपनी टीम तैयार करने के लिए उनको विक्ट्री दिलाने के लिए उस टीम को वैसे इस फिल्म को बनाने और यहाँ तक लाने के लिए आप लोगों को भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी बहुत मेहनत करनी During the lockdown, we had the set standing for almost three and a half years. And we used to shoot lockdown ka jab ek window open aata tha. All the players who were coming from overseas and the crew which was coming from overseas would land here. We would shoot for say maybe 8-10 days. Ek aad match shoot hota tha, dobara lockdown shoot. Aise hamare saath teen baar hua hai. Us chakkar mein, matlab, mehnat to dur ki baat rahi. Mujhe aise lagta hai, to have that patience. Dekho, mehnat to hum... जो भी जॉब होता है हम पूरी तरह करते बट समटाइम्स यू लूज पेशेंस आई एम ग्लैड दैट माई क्रू डिन लूज पेशेंस और आपको एक चीज़ बताऊं पिक्चर जब ख़त्म हो गई मैचेस भी हमने शूट कर लिए तो मुझे अमित ने कहा कि यहाँ पे हमको सिर्फ इंडियन फेसेस नहीं दिखाने ऑडियंस में फॉरेनर्स भी दिखाने तो मैंने बोला उसका क्या इलाज यू वॉन्ट टू गो टू एवरी कंट्री तो खैर देन आर प्रोडक्शन टीम डिसाइडेड कि नहीं बैंकॉक में हर कंट्री के कोई ना कोई हमको मिल जाएंगे फेसेस तो वी वेंट टू आई मीन अमित वेंट टू बैंकॉक एंड ही वाज देयर फॉर 9 days ओनली टू टेक द क्राउड शॉट्स सो ये भी एक तरीका है मेहनत का इट वाज पैशन विद मेहनत बिकॉज आफ्टर द फिल्म इज कंप्लीट होता क्या है कि सब लोग आंगड़ाई लेने शुरू करते हैं यार हो गए भी ख़त्म बट ये लास्ट मिनट तक लगे हुए थे हमने एक कंटिन्यूटी की बस इधर यूज़ की थी सेम बस अमित इंसिस्टेड के उधर बैंकॉक में भी हो तो ऐसी कई चीजें हैं जो अमित ने हमसे करवाई और हमने खुशी खुशी की अमित फ्रस्ट्रेटिंग भी था कभी कभी कुछ मोमेंट वो तो ऑब्वियस ही बात है फ्रस्ट्रेटिंग तो था ही मतलब तैयारी करो और शूटिंग नहीं हो तो फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाता है आदमी या इट वाज बट आई थिंक जब शूट होता था तो फिर होता था फिर वो कमाल होता था और मजा आता था बहुत सो दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड द होल फिल्म हाय हाय अमित टू योर एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट हियर हाय दिस इज कुनालिया फ्रॉम इंडिया फिल्म्स फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस द ट्रेलर लुक्स फैबुलस एंड समवन हुज आल्सो बीन यू नो प्लेड फुटबॉल इन द पास्ट रहीम साहब वाज समथिंग व्हिच पीपल इट वाज लाइक अ केस स्टडी फॉर अस राइट अवे सो माय क्वेश्चन टू यू इज आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर दैट We've seen, you know, we even know, like this is a little more popular than, but his formative years were also really, really important because, you know, the fact that he joined an amateur club, SSV Hoek, and though he did not play much, but, you know, he was a part of a Dutch club back then and all those parts, you know, in tidbits, it was not really out in the open. So are those things a part of the film or maybe, you know, there are glimpses which probably warms up the audience that, okay, you know, it is a myth, he has a legacy. In his playing your key days as well. यार इतना बड़ा क्वेश्चन था इतना लंबा क्वेश्चन था तो आंसर तो इसका एक वर्ड में ही होना चाहिए No, we have not shown him his legacy that he used to play and all that. We have not even spoken about that. But we have been clear that, you know, he was the super coach what we had at that time. And we have only spoken about that. Amit ji, मेरा भी सवाल इसी से related है. मैं दो फिल्मों का जिक्र करना चाहूँगी एक फिल्म थी जो आज़ादी के पहले सूरी सेन जी ने लड़ी थी उस पर आधारित थी फिल्म खेले हम जी जान से वो आज़ादी पाने की जद्दोजहद थी दूसरी फिल्म अगर हम ले तो वो थी चक दे इंडिया
जो देश को फिर से उठाने की कोशिश थी। लेकिन ये जो आपकी फिल्म है उसमें जो रहीम जी का कैरेक्टर है वो 10 साल की जो मेहनत है अपने, जैसा कि आपके ट्रेलर में भी कहा है कि ये इंडिया को पहचान दिलाने की जद्दोजहद भी थी, लेकिन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन था कि उन लोगों ने बहुत कमज़ोर टीम को लाकर विश्व के मंच पे खड़ा किया। तो जो आपकी देशभक्ति है, आपकी फिल्म की में जो देशभक्ति है, वो इन दोनों फिल्मों से कितनी अलग है? देखिए, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और हम एक आर्मी की बात करते हैं ना, जब जो फ्रंट पर लड़ रहे होते हैं, हम जिनकी वजह से सेफ बैठे हुए हैं, जब मैच हो रहा होता है तब ग्राउंड के ऊपर जो प्लेयर्स भाग रहे हैं वो लड़ रहे हैं अपनी अपने देश की इज्जत को बरकरार रखने के लिए, और मैदान भी वो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, इंडिया, यू नो, यूनिटी, इंडिया साथ में, वो यही बोल रहे हैं। तो ना, आज मैदान में उतरना ग्यारह लेकिन दिखना एक, दैट इज़ वॉट हिज एक्चुअली मोटो वॉज, दैट यू नो दैट हम लोग एकदम नए, वी वर ब्रांड न्यू, लाइक वी वर किड्स, वी वर लाइक आर कंट्री वॉज 5 ईयर ओल्ड 1952 जब उन्होंने ये टीम बनानी शुरू करी, और बनाते 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 में 1962 तक वो टीम पूरी तैयार हुई, जो जो जिसका फल हम लोग को मिला कि हम लोगों ने एशियन गेम्स जीते हम लोग। सो दैट होल थिंग ऑफ इंडिया एंड इट्स अबाउट द इमोशन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस फिल्म, हिज इमोशन टुवर्ड्स द कंट्री, उनका इमोशन कंट्री की तरफ क्या था, दैट अगर हम फुटबॉल में अच्छे होंगे, फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो दुनिया भर में खेला जाता है, और अभी हम तो एकदम बच्चे हैं, लाइक यू नो वी आर जस्ट 5 ईयर ओल्ड कंट्री, तो हम वी वर ब्रिटिश इंडिया बिफोर दैट, तो हमारा नाम हर उस कंट्री में जाना जाएगा जिसमें वो स्पोर्ट्स खेला जाता है, फुटबॉल, दैट वॉज हिज थिंग। हेलो अजय सर। हाय। ओके अजय सर, ओवर हियर ऑन योर राइट, सर ऑन योर लेफ्ट, सॉरी। अजय सर, आप ऑलवेज बीन इन अ वेरी डिफरेंट रोल, जब भी आप रोल निभाते हो पूरी तरह से 100% उसको देते हो, सर मुझे ये जानना था आपने इस रोल के लिए व्हाट ऑल प्रिपरेशन यू डिड? आई थिंक आई आंसर दैट क्वेश्चन। जब मैं कोई भी फिल्म या कोई भी कैरेक्टर करता हूँ तो आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कैरेक्टर, बट बियॉन्ड दैट मेरे पास नरेशन से लेके प्रिपरेशन तक अमित ने इतनी तैयारी की हुई थी, I had to just listen to him and just follow it. Hi. गजराज जी, आपके अनुसार वो ऐसे कौन कौन से प्रोड्यूसर हैं जो बड़े दिल के नहीं हैं? आपने अभी बताया। देखो, कोविड के बाद बड़ी मुश्किल से काम मिलना शुरू हुआ है, तो वो फोन आने बंद क्यों करवाना चाहते हो, क्या दुश्मनी है आपकी? आपने बताया कि हाँ, वो बताया, लेकिन नाम क्यों बताऊं? वो तो बना के रखनी पड़ेगी ना। अजय देवगन जी भी प्रोड्यूसर हैं। अजय देवगन, एब्सोल्युटली। आप एक जवाब दीजिए कि आप में से कौन कौन अच्छे जर्नलिस्ट नहीं है? उन्होंने बताया ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, देवगन साहब के साथ भी मैंने काम किया, एक गेस्ट अपीयरेंस किया था भोला में, तो वहां पे भी मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा था। अजय जी, सो आप मानते हैं कि ये फिल्म आने के बाद जितना क्रेज लोगों के अंदर क्रिकेट को लेकर है, उतना ही क्रेज फुटबॉल को लेकर भी? यार, वो तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियंस का रिस्पांस क्या होता है। जो एक्साइटमेंट फिल्म देख के होती है और जो फीलिंग आती है फुटबॉल के लिए, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा फ़र्क तो पड़ेगा लोगों को ये फिल्म देख के। अब फाइनल रिएक्शन ऑडियंस का क्या होता है, ये तो आप मुझे फ्राइडे को 3 बजे के बाद ही बताएंगे। हेलो हेलो, हियर योर लेफ्ट हैंड साइड, शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। अजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट, काफ़ी अमेजिंग है ट्रेलर। भारत का जो सुनहरा इतिहास रचा गया, उसका जिक्र हुआ है, पूरी कहानी जो है बताई गई है। वेल, अजय जी, मेरा सवाल ये है कि जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, जब ये ऐसा किरदार आपने सुना, तो वॉज इट इमीजिएटली यस फ्रॉम योर साइड फॉर दिस प्रोजेक्ट, या फिर किस तरह से? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में था और फुटबॉल इस पीक पे हिंदुस्तान में पहुंचा था, तो व्हेन आई हर्ड अबाउट इट एंड जो जिस डिटेल में कहानी मैंने सुनी, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई डिसाइडेड टू डू इट। और मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन था कि ये अगर मुझे भी नहीं पता था तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो आई थिंक ये बात हर हिंदुस्तानी तक पहुँचनी चाहिए।
और ये आइडिया लेवल पे सिर्फ 15 मिनट में ओके कर दिया। हम लखनऊ गए थे अजय को मिलने के लिए, इट टुक हिम जस्ट 10-15 मिनट, जिस आई एम डूइंग द फिल्म। तो ये फिर उसके बाद हमने पूरी जब स्क्रिप्ट भी पूरी नरेट की तो दैट सील्ड द मैटर, बट इनिशियली ही वॉज पॉजिटिव राइट फ्रॉम द टाइम ही हर्ड द आइडिया एंड विद इन 15 मिनट्स ही आस्क्ड अस टू गो अहेड एंड कंप्लीट द स्क्रिप्ट। Next question, you have Upala. Hi, this is Upala from Midday. My question is for Mr. Akash Chawla, Mr. Joyson Gupta. Your production house, Freshline Films, has this reputation of, you know, producing content-driven films, which includes Maidan Today. Now, Anandi Gopal, your Marathi movie, won a lot of national awards. And it inspired, you know, the president of the Symbiosis to also make a medical college, women's medical college. Can we expect something similar, inspired from Maidan, including sweeping the national awards, which also Anandi Gopal did? Because the trailer looks fantastic. Thank you, Upala, for talking about it. So I'm not going to comment on the national awards. I'm not going to comment on anything right now. Like Ajay sir said, we'll know the audience response after 3 p.m. on the Friday. We just feel the fact that, you know, at times, you just need one hero. You know, you just need one hero which people can follow. And suddenly things change. Like Boniji mentioned about the 83 World Cup, which catapulted the cricket generation to a completely new level, the cricket craze to a new level. And in this film, we are talking about many heroes. We are talking about those Indian heroes that people don't know about or partly know about. Mr. Rahim, Mr. P.K. Banerjee, Thangaraj, I mean, all these, Mr. Balram. How many people actually know the fact that Mr. Tulsidas Balram was actually called the Pele of Asia? And these are all things which are true. It's just the fact that they have not come forward. So we are just hoping as a team that we inspire a whole new generation that can take the sport of football in India to a completely new level. If we are able to do that, if people are able to recognize and realize what Rahim Saab was, who he was, and want to probably take it, you know, towards his dream, that was to take India to the pinnacle of football, I think that's a great award that we would actually be happy with. Thank you so much. Hi, Ajay sir. On your extreme left, yeah, Samir here from Movie Talkies. So it usually happens with your festival is that, you know, the films clashes with some other film. And even with Maidan. I was waiting for this. Yeah, so even I was waiting. Actually, har film ke time yahi sawal hota hai, you know, usually. तो यू नो इसका भी क्लैश हो रहा है बड़े में या छोटे में के साथ। देखिए सबसे पहले तो मैं क्लैश नहीं कहूँगा और अगर आप क्लैश कहते हैं तो आपकी लैंग्वेज में मैं चाहूँगा कि कोई दो फिल्में एक साथ रिलीज नहीं हो, लेकिन देर आर सब कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से करनी पड़ती है। और आई थिंक दोनों अलग अलग जॉनर की फिल्में हम सब एक फैमिली की तरह हैं, हम दोस्त हैं, तो आई थिंक ये हम क्लैश की तरीके से नहीं देख रहे इसको, हम देख रहे हैं कि अच्छा बड़ा वीकेंड है और दोनों फिल्में बहुत अच्छा करेंगी। प्रियमणि मैम, रिसेंटली यू हैड अ हिट फिल्म लाइक आर्टिकल 370 एंड नाउ यू हैव मैदान कमिंग, यू नो यू हैव बीन अवे फ्रॉम हिंदी सिनेमा लाइक फॉर लाइक इन द मिडल टाइम, बट नाउ यू आर कमिंग बैक विद लाइक यू नो बैक टू बैक फिल्म्स, हाउ डज इट फील? फील्स ग्रेट, I'm happy, feel very excited, and again, I can't wait for people to watch this masterpiece as well. एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, I would like to enlighten the media. It was Saeed Abdul Rahim who got हमारा first Olympic जो हमने खेला था football. The players were barefoot, and this coach Abdul Rahim was the one instrumental getting the shoes for the players. And in India, those days, the game used to be played for 70 minutes. In India, all the football games or competitions were held for just 70 minutes. And internationally, they were played for 90 minutes. So it was again the effort of Saeed Abdul Rahim Saab, that this India mein bhi tabdili hui, kyunki aksar initial days mein jab Saeed Abdul Rahim bhi coach the, to 70 minute ke baad hamare players thak jate the. Boni ji, puri kahani yahi sunaoge ki picture bhi dekhne doge? डोंट गेट टू एक्साइटेड, आधी इंडस्ट्री को पिक्चर भी दिखा चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन नाउ, लास्ट क्वेश्चन। अजय जी, ओवर हियर, राइट हैंड, शारिक शेख फ्रॉम बजूका, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि ये फिल्म फुटबॉल एसोसिएशन जो है अभी कहीं
उनको भी दिखानी चाहिए और ताकि और जो है स्पोर्ट्स इम्प्रूव हो, आपके हिसाब से क्या? अजय जी आपसे किसे मेरे से पूछ रहे हो? अजय जी से क्या क्या दिखानी चाहिए? जरूर दिखानी चाहिए आई थिंक. बिल्कुल आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग ऑल्सो लाइक दिस. ये हम तो जितने ज़्यादा लोग देखें उतना बेहतर है. और डेफिनेटली फुटबॉल के जितने भी अथॉरिटीज हैं सबको दिखानी चाहिए. बिल्कुल. थैंक यू एवरीवन फॉर द क्वेश्चंस. अब मैं बुलाना चाहूँगा पूरी टीम को. अरे फुटबॉल नहीं दिख रहा है यार. अरे बैठ जाओ, फुटबॉल नहीं दिख रहा है. अरे अजय इसको नीचे करने को. अरे हमको नहीं मिला. ए भाई बैठो ना मोबाइल. ए ठाकुर, ये कल से मोबाइल होगा. ये जा भाई. ये मोबाइल. थैंक यू. थैंक यू टीम इंडिया. ये मोबाइल नीचे ले. टीम जामनगर. नहीं खड़ी होके मार दो. टेंशन मत. गेट पे खड़े हो. चलो साला यहां पर भी कैमरा. अब इसको मत.
अरे प्रदीप भाई आपका फुटबॉल नीचे दो दो फुटबॉल आ गए मेरे। अरे कितनी का है। अरे रे सुनी अरे मजा ये मोबाइल खालती के अरे पेमेंट मत देना ये एंकर है बोल उसको बॉल प्लेयर ही लग रहा है। चलो पेमेंट के बदले फोटो पाजी आ जाओ साथ में तुम प्रदीप भाई मैडम नाइस कलर